असामाजिक लोगों ने दिल्ली नगर निगम का कूड़ा घर तोड़ा। नगर निगम ने कराई शिकायत दर्ज। सीसीटीवी से हो सकती है कूड़ा घर तोड़ने वालों की पहचान। रोहिणी सेक्टर 18 प्लैटिनियम एन्क्लेव के साथ बने कूड़े के ढलाव घर की छत को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। स्थानीय निगम परिषद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने भी इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम के किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ना ही दिल्ली सरकार ने। ये कुछ बाहरी लोगों का काम है जो इसको तोड़कर इस पर कब्जा करना चाहते थे। उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मेरी बात हुई है और वहाँ दिल्ली नगर निगम का वहाँ कुछ और बनना है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इस कूड़े के ढेर को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो कि इसको तोड़कर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। नगर निगम के थाना बादली में इस पर शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन लोग इसको तोड़कर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं वहाँ की जो निवासी हैं उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है, तो वो हम बनाएंगे, लेकिन अभी वो कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे लगता है तोड़ दिया है। जहाँ कुछ लोग भी वहाँ बता रहे थे, हमारी बात भी थी कि वो कह रहे कि उसको तोड़ा जा रहा है। मैंने अधिकारियों से भी ऊपर बात की है और जिसने वो तोड़ा है उनके खिलाफ FIR भी हो गई है। FIR की कॉपी मैंने आपको दे दी है जी। और बाकी जिसने भी तोड़ा है उसका पता लगा के उसको सजा दी जाएगी। क्या तोड़ा जा रहा है जी, उसके खिलाफ ये कार्रवाई, हमने FIR करा दी है उसकी जी। और हमें ये नहीं पता वो कौन तोड़ रहा कौन नहीं तोड़ रहा जी। और हमें पता लगा जैसे ही वैसे हमने उसकी FIR करा दी है जी। और जो भी कार्रवाई होगी अब निगम और पुलिस के द्वारा करी जाएगी। अच्छा, कब तोड़ा गया था इसको? दिन में तोड़ रहे थे या फिर लोग रात में इसको तोड़ रहे थे? दिन में कुछ जानकारी मिल पाई आपको? दिन में शाम के टाइम ही तोड़ रहे थे। अच्छा, रात के समय में। हाँ। अब निगम की तरफ से जो कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। हाँ, कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है जी। उसकी मेरे पास कॉपी भी है जी। कितने दिन पुराना मामला है और ये आपको किस तरीके से पता चल रहा है? हमारे को आज ही पता लगा सुबह जी, मॉर्निंग में जैसे पता लगा हमने वैसे ही इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है समयपुर वाली थाने में। हाँ, वो जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। निगम का कोई इसमें वो नहीं है, नहीं छोड़ रहे।